जय शिव शंकर गौरे शंकर पार्वती संग हरे हरे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम समर्पण में, भगवान को भाव समर्पित करना। जैसा कि कार्तिकेय ने भगवान शिव को भाव समर्पित किए, गजानन गणेश ने भाव समर्पित किए, आप सभी भली भांति जानते हैं कि जब पृथ्वी की परिक्रमा करने की होड़ लगी, प्रतिस्पर्धा हुई, इसमें गणेश जी जीते क्योंकि उन्होंने भगवान शिव और माता पार्वती को ही सर्वोपरि मान लिया और उन्होंने उनकी परिक्रमा करके ये जो प्रतिस्पर्धा थी जीत ली, जिसके कारण कार्तिकेय भगवान रुष्ट हो गए और वह जाकर क्रौंच पर्वत पर तपस्या करने लगे क्योंकि उनका मन बहुत दुखी था। और उन्होंने क्रौंच को यह भी कहा था कि मैं तुम्हारे संग यहीं रहूंगा। उधर क्रौंच भी भगवान शिव की आराधना कर रहे थे शिवलिंग के रूप में, और उधर जाकर कार्तिकेय भगवान ने भी आराधना शुरू कर दी। और माता पार्वती अपने पुत्र को मनाने के लिए पीछे चली गई। माता पार्वती ने उन दोनों की तपस्या को देखा और हैरान हो गई। लेकिन भगवान शिव कुछ क्षणों के बाद आए, वह कहने लगे कि मांगो, क्या मांगते हो। तब कार्तिकेय और शैल ने यह मांगा कि आप यहीं पर समाहित हो जाएं, इस शिवलिंग में समाहित हो जाएं। तब उन्होंने उमा संग अपने आप को उस शिवलिंग में समाहित कर दिया और उस शिवलिंग की पूजा के लिए सर्वप्रथम जिस पुष्प की जरूरत पड़ी, जिससे आराधना की गई, उसका नाम था मल्लिका। इसलिए उस शिवलिंग का नाम पड़ा मल्लिका अर्जुन शिवलिंग। जी हां, यह एक कथा है। और जैसा कि भली भांति आप परिचित होंगे, नहीं है तो मेरा कर्तव्य है कि इस समर्पण कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपको बताऊं कि भगवान गणेश जी का जो विवाह हुआ वो विश्वदेव की दो कन्याएं रिद्धि सिद्धि के साथ हुआ और शुभ और लाभ इनके पुत्र हुए। तभी हम धन प्राप्ति के लिए दीपावली के दिन शुभ और लाभ छापते हैं, माता लक्ष्मी के पद चिन्हों को देखकर अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। आइए, भगवान शिव के हर ज्योतिर्लिंग को बारंबार नमस्कार करते हैं। ये ज्योतिर्लिंग ऐसे हैं जिनका नाम जपने से मनुष्य का जीवन सफल हो जाता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।